बस्ती जिले के मांझा लूनिया पुरवा गांव में नाबालिग के साथ दबंगों ने गैंगरेप किया। विरोध करने पर नाबालिग के शरीर को जगह जगह से काट दिया गया और चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा, लेकिन आरोपी के परिजन पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देते रहे, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती रात भी पीड़िता अपने घर पर सो रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने चाकू से हमला कर मारने का प्रयास किया। शोर मचाने से आरोपी फरार हो गए, जहां घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस कह रही है कि आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। प्रातःकाल यहाँ कोतवाली सदर हॉस्पिटल से सूचना प्यारी को प्राप्त हुई कि कप्तानगंज के रहने वाली एक लड़की के पेट में चाकू मार दिया गया है और उसका इलाज यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है। फौरन मौके पर कप्तानगंज SHO और अन्य उच्चाधिकारी और मैं स्वयं यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर यह जानकारी हुई कि इस लड़की के साथ में कोर्ट में भी घटना हो चुकी है और पुरानी रंजिश में ही है। उनके घर परिवार का कहना है कि पुरानी रंजिश में ही उनके घर के सामने रहने वाले परिवारजनों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया। इस संबंध में परिवार ने तीन लोग के खिलाफ जानलेवा हमले की तहरीर दी है और इनके अपने पटीदारों के खिलाफ गाली देने की तहरीर दी है। इसके आधार पर तुरंत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। लड़के का इलाज यहाँ सदर अस्पताल में हो रहा है, जहाँ लड़की की स्थिति गंभीर है लेकिन कंट्रोल में है।